मान लीला। राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी, राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी। मैं आयो चाहत हो तुम पे, मैं आयो चाहत हो तुम पे, बीच लियो न घेरी। राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी, राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी। जतन अनेक बिनती करिहार्यो, जतन अनेक बिनती करिहार्यो, कैसे जात ना फेरी राधा प्यारी, कैसे जात ना फेरी। पर बस पर्यो दास परमानंद, पर बस पर्यो दास परमानंद, काहे सुनावो तेरी राधा प्यारी, काहे सुनावो तेरी। राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी, राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी। मैं आयो चाहत हो तुम पे, मैं आयो चाहत हो तुम पे, बीच लियो न घेरी राधा प्यारी, बीच लियो न घेरी। राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी, राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी, राधा प्यारी बात सुनो एक मेरी। If it wasn't for ECPI, like, I really don't know where I would be right now. Start sooner, finish faster. Nursing at ECPI University. I have to touch it. Once I put my hands on it. श्री प्रिया इंदुलेखा के कुंज में बैठी हैं। गोलाकार संगमरमर की सुंदर वेदी है। वेदी का व्यास 8 गज है। वह पृथ्वी से 1 हाथ ऊंची है। वेदी के चारों ओर हरी हरी दूब लग रही है। दूब को अत्यंत सुंदर ढंग से काट छांट कर उस पर चित्रकारी बनाई गई है। वेदी के ऊपर नीले मखमल का मोटा गद्दा बिछा हुआ है। वेदी के बीच में नीले मखमल से जड़ा हुआ सिंहासन है। सिंहासन से कुछ दूर पश्चिम की ओर एक नीला मसनद है। उसी के सहारे श्री प्रिया पूर्व एवं दक्षिण के कोने की ओर मुख किए हुए बैठी हैं। श्री प्रिया के पीछे ललिता खड़ी हैं। ललिता मंद मंद मुस्कुरा रही हैं तथा दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली को अपने मुंह के पास ले जाकर दूर पर खड़े श्याम सुंदर को संकेत से बोलने के लिए मना कर रही हैं। श्री श्याम सुंदर वेदी से लगभग 12 गज पश्चिम की ओर हटकर सुगंधित पुष्प के वृक्ष की एक डाली को बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं। श्याम सुंदर के दाहिने हाथ में वंशी है। कुंज के द्वार के पास आते ही वे विलास मंजरी से यह ज्ञात कर चुके हैं कि आज प्रिया मान करके बैठी हुई हैं। इसीलिए धीरे धीरे आकर वेदी से दूर खड़े होकर ललिता से संकेत से पूछ रहे हैं, क्यों आज क्या ढंग है। ललिता पहले तो आंखें तरेर कर कुछ धमकाती हैं,
पर श्याम सुंदर को मुस्कुराते देखकर बरबस मुस्कुरा पड़ती हैं। फिर वे कुछ नहीं बोलने का संकेत कर रही हैं। श्याम सुंदर आए हैं इस बात से सभी सखियों में आनंद का प्रवाह बह रहा है, पर साथ ही श्री प्रिया की गंभीर मुख मुद्रा को देखकर सभी अपने आनंद को संभालकर बहुत शांतिपूर्वक अपनी अपनी सेवा का कार्य कर रही हैं। श्री प्रिया बहुत गंभीर बनी बैठी हैं तथा किसी से कुछ भी नहीं बोल रही हैं। उनके आगे पनबट्टा पड़ा है। वेदी के पूर्व एवं दक्षिण की ओर अत्यंत सुंदर बड़े बड़े अशोक के दो वृक्ष लगे हुए हैं। उन पर तोता एवं मैनाओं के समूह बैठे हुए हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न जाति के पक्षी कुंज के वृक्षों की डालियों पर बैठे हुए कलरव कर रहे हैं। इस प्रकार श्याम सुंदर को आए हुए जब देर हो जाती है, तब अशोक वृक्ष पर बैठा हुआ तोता बोल उठता है, देवी इंदुलेखे, आहा देखो प्यारे श्याम सुंदर तुम्हारे कुंज में पधारे हैं। आहा, उनकी कैसी विलक्षण शोभा है। अलकावली की दो बिखरी हुई लटें कपोलों पर आ गई हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भौरों के समूह दो दिशाओं से उड़ते हुए आकर फिर एक पंक्ति में बैठकर श्याम सुंदर के मुख कमल का मकरंद पान कर रहे हों। आहा, कितनी सुंदर आंखें हैं, क्या उपमा दूं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे, ये वस्तुतः सर्वथा अनुपम है। आहा, देखो अधर पर कैसी मंद मुस्कान है। प्यारे श्याम सुंदर, बलिहार है तुम्हारे इस रूप को। तोता कुछ देर ठहर कर फिर कहता है, देवी इंदुलेखे, आज क्या बात है, तुम खड़ी हो। सुनो, मेरे प्यारे श्याम सुंदर को खड़े खड़े कितनी देर हो गई, उनके पैर दुख गए होंगे। आसन बिछाओ, अपने कोमल हृदय का आसन बनाकर श्याम सुंदर को उस पर बिठाओ। तोता यह बोल ही रहा था तथा आगे बोलने का तार अभी टूटा नहीं था कि सारी बीच में ही बोल उठती है, तोते, तू भी श्याम सुंदर की भांति वस्तुतः रस से अनभिज्ञ है, इसीलिए तो इतना बक बक कर रहा है। अरे, तू जिन श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, उन्हीं का गुण मैं तुम्हें सुनाती हूँ, फिर पता लग जाएगा कि ये कैसे हैं। सुन, तू जानता है मेरी प्यारी राधा रानी के हृदय की बात? नहीं जानता, यदि जानता होता तो फिर आज इस प्रकार नहीं बोलता। सुन, सचमुच ये श्याम सुंदर हैं तो बड़े सुंदर, पर इनका हृदय बड़ा कठोर है, रस उसमें है ही नहीं। यदि रस होता तो ये मेरी प्यारी राधा रानी को छोड़कर भला कभी किसी दूसरे के कुंज में जाते। तोता, एक बार मेरी राधा रानी के मुख की ओर देख और देखकर बता कि क्या इतना सौंदर्य तुमने और कहीं देखा है। तुमने कहीं भी नहीं देखा होगा। और राधा रानी के हृदय की बात मैं तुम्हें बताऊं? देख, बताती हूँ। सारे हृदय में ऊपर नीचे बाहर भीतर एकमात्र श्याम सुंदर भरे हैं। तनिक भी कहीं भी कोई स्थान नहीं बच गया है जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश कर सके। ऐसा हृदय और ऐसा सौंदर्य, अब श्री राधा रानी के इस दिव्य स्वरूप पर विचार कर तथा फिर विचार कर श्याम सुंदर की करतूत पर, फिर कहना कि वे श्याम सुंदर की कैसी सेवा करें। सारी की बात सुनकर श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि राधा रानी के रूठने का कारण क्या है। फिर श्याम सुंदर सारी के उत्तर में
तोते को कुछ भी न कहने के लिए संकेत करते हैं। इसके बाद वेदी के पास आ जाते हैं एवं वेदी पर चढ़कर राधा रानी के पास आकर बैठ जाते हैं। उनके बैठ जाने पर ललिता कुछ कड़े स्वर में कहती हैं, क्यों अब वहाँ से मन उब जाने पर यहाँ मनोरंजन करने आए हो, यही बात है ना। श्याम सुंदर, तू विश्वास करेगी नहीं, बता कर क्या होगा। श्याम सुंदर यह कह करके फिर जिस मसनद के सहारे श्री प्रिया बैठी हैं उस पर अपना दाहिना हाथ रख देते हैं तथा अत्यंत प्यार भरे स्वर में कहते हैं, प्रिय मेरी एक बात सुनो। श्री राधा रानी अपना सिर नीचा कर लेती हैं, कुछ बोलती नहीं। श्याम सुंदर अत्यंत प्यार से श्री प्रिया का दाहिना हाथ जो मसनद पर पड़ा है उसे अपने हाथ में लेकर कहते हैं, प्यारी सच कहता हूँ मैं आ रहा था यहीं पर, बीच में ही वे सब मिल गई। सारी ने तुम्हें ठीक ही समाचार दिया है कि मैं उनके कुंज में गया था, पर किस परिस्थिति में गया था सारी ने इस बात को नहीं देखा। देखो बात यह हुई कि मैं फूल तोड़ रहा था, उसी समय उन सब ने मुझे आ घेरा। मैंने मधमंगल को संकेत से कहा भी कि तू मुझसे झगड़ा कर और हम दोनों झगड़ते हुए यहाँ से भाग निकलें। मधमंगल ने वही किया पर मेरी चतुराई ने मुझे और फंसा दिया। मधमंगल ने झगड़ते हुए मेरी फेट खींच ली, मैं फूलों के दोने को बाएं हाथ से पकड़े हुए था। मधमंगल कहता था कि यह दोना फेंक दो, इसे इन ग्वालिनों ने छू दिया, अब इसकी माला मैं तुम्हें पहनने नहीं दूंगा। मैं यह भाव दिखला रहा था कि मैं दोना नहीं फेंकूंगा। मधमंगल एक हाथ से दोने की ओर लपका और दूसरे से मेरी फेंट पकड़ ली। मैं दोनों को संभालने लगा पर फेंट ढीली हो जाने के कारण उसी समय मेरी वंशी जो उसमें खोसी हुई थी गिर पड़ी। उसे शैव्या ने चटपट उठा लिया। अब तो मैं फंस गया, यदि मैं बिना वंशी के तेरे पास आता तो तू पूछती कि वंशी क्या हो गई, तब मैं जो भी उत्तर देता उसे सुनकर तेरा संदेह और भी बढ़ता, इसीलिए मैंने वंशी ले लेनी चाहिए। उन सबों से मैंने बहुत प्रार्थना की कि मेरी वंशी मुझे वापस दे दो, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी। वे बार बार यही कहती थी कि वंशी लेना हो तो चलो एक बार मेरे कुंज में चलकर थोड़ा शरबत पी लो, फिर दे दूंगी। जब उन्होंने किसी प्रकार भी वंशी लौटाना स्वीकार नहीं किया तो हार कर मैं उनके कुंज में गया था। उसी समय सारी उड़ती हुई वहाँ आई। मैं तो इस परिस्थिति में पूर्णतः फंस गया था, सारी को खोलकर अपनी बात समझा भी नहीं सकता था। अतः सारी ने जो कुछ भी कहा है वह सच ही कहा है, पर प्रिय मेरा इसमें अपराध नहीं, तू ही बता मैं भला इसके अतिरिक्त कर ही क्या सकता था। श्री प्रिया श्याम सुंदर की बात सुनकर सोचने लगती हैं, मेरे प्रियतम श्याम सुंदर कितने सरल हैं, आहा इनका हृदय कितना कोमल है, ओह ये मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरे अंदर न कोई गुण है न तनिक रूप भी, फिर भी मेरे प्राणनाथ मुझे इतना प्यार करते हैं। हाय मैं रूठ कर बैठी हूँ, इससे इनके कोमल हृदय में कितना दुख होता होगा, ओह मैं कितने कठोर हृदय की हूँ। ऐसा सोचते सोचते श्री प्रिया प्रेम में अधीर होने लगती हैं। बार बार इच्छा हो रही है कि श्याम सुंदर को गले से लगा लूं, पर लज्जा आ घेरती है। इसी समय इंदुलेखा शरबत का एक गिलास ले आती हैं तथा श्याम सुंदर के पास जो छोटी सी मणि जटित तिपाई है उस पर रख देती हैं। श्री प्रिया कनखी से गिलास को देखती हैं। देखते ही श्याम सुंदर के सैव्या के कुंज में शरबत पीने की बात याद आती है। राधा रानी सोचती हैं, मेरे प्रीतम को सैव्या ने शरबत पिलाया है और मेरे सरल हृदय प्यारे श्याम सुंदर ने पी भी लिया, पर गंवारी सैव्या ने यह नहीं सोचा कि शरबत पीकर श्याम सुंदर को यदि कहीं सर्दी लग गई तो कितना अनर्थ हो जाएगा। क्या पता शरबत किस वस्तु से बनाया गया था और कैसा बनाया गया था, सैव्या को शरबत बनाना थोड़े ही आता होगा। पता नहीं उसने कौन सी वस्तु अधिक डाल दी होगी और किस वस्तु का डालना आवश्यक होने पर भी डालना भूल गई हो। वह इन बातों पर ध्यान थोड़े ही रख सकी होगी, उसे तो मेरे प्रियतम के अधरामृत का सुख लूटना था। भले ही